नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूँ ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार अन्य 24 जिलों में इंटरमीडिएट का पेपर लीक होने के बाद बिजनौर जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है। जिला अधिकारी उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने सतर्कता दिखाते हुए जनपद के कॉलेजों का आकस्मिक निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। डीएम व एसपी ने स्थानीय वैदिक कन्या इंटर कॉलेज व बिजनौर इंटर कॉलेज में प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रखने के लिए स्थापित सीलिंग एवं पैकिंग तथा सीसीटीवी मॉनिटरिंग कक्षों का निरीक्षण करते हुए प्रधानाचार्य और केंद्र व्यवस्थापक को निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्य, केंद्र व्यवस्थापक एवं स्टेटिक्स मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रश्न पत्रों का मुआयना करने के लिए प्रश्न पत्र रखी जाने वाली सील अलमारी को खुलवाकर देखा और विभिन्न विषयों पर आधारित प्रश्न पत्रों के लिफाफों का अवलोकन किया। इस दौरान जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया, माध्यमिक जो परीक्षाएं हो रही हैं उनकी शुचिता बनाए रखने के लिए, नगर निगम परीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग विद्यालय में जाकर के ये देख रहे हैं कि जो प्रश्न पत्रों का रखरखाव है उसकी सुरक्षा है वह समुचित है कि नहीं, और भविष्य में कैसे इस परीक्षा को सुचितापूर्ण कराया जाए उसके लिए निर्देश दिए गए केंद्र व्यवस्थापक को और जो बनाना चाहिए। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।